क्या अरे नहीं नहीं, नहीं भाई साहब हम सी आई डी नहीं है हाँ ये सी आई डी नहीं है आ, गर सुना आपने सुना आपने ये भी यही कह रहे हैं दरअसल हम इन्हीं से डर कर Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as BD, cigarettes, canis, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर दिल का दौरा फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बेड़ी सिगरेट खैनी जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा इतना टार आपको बीमार बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस सौ बानवे की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान और मिला मतौंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं इस फिल्म को निर्देशित किया था राजीव मेहरा ने यह लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजीव मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश से मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसरुद्दीन शाह शहरुख खान उर्मिला मतोंडकर और शमी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज़ का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया या दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके सगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही पता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को उसे बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कॉल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कॉल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार्को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंडा के रूप में सुंदर करता है एक हताश बोली में मार्गो कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्द लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंटा के भाई, भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रख है अभी भी सभी के लिए अदृश्य जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन था मार्को पुलिस को कब्रिस्तान तक ले जाने में कामयाब होता है, कर देता है। कुंता को मार्को की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करने के लिए मजबूर करता है मार्को फिर कुंटा को खाली कब्र में ढकेल देता है और जैसे ही वह उसे एक बड़ी चट्टान से मारने वाला होता है माला उसे पिता कहते हुए रुकने के लिए कहती है और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की विनती करती है यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश की एक किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूम में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोंडकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरमा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ यू हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा शुक्रिया इस प्यार से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञ सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ा है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कालेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा यह इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गोवारिकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मजेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीजें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिसे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए यह देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था खासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के रूम नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आंका जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वो काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत अन्य चीज़ें थीं जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है यह फिल्म उप शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदर अन्य सहरु खान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले कालेज में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमां रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और में रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन हाथ रहस्य लेकिन इनमें से किसी को भी ज़रूरत से ज्यादा नहीं किया गया जैसा कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में होता है कुछ घंटे बिताने का बिल्कुल भी बुरा तरीका नहीं है चमत्कार का अर्थ होता है जादू जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह फिल्म जादुई घटनाओं से भरी है बेश शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहाँ पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भड़कते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की ज़रूरत है हॉर जी बी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हान रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और सहजता के साथ अन्यथा असंभव आधार को क्रियान्वित करता है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई देवन हेवन लेकिट में थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदर अनी शाहरुख खान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को मार्कोनी नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो 20 साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही गुरगोद्वारा कुंतनी टीनू आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए वह बीस साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के पास उसके साथ जुड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को ठीक करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं को कोकुंटा के नापाक मासूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुषों शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वह जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम है वह वा वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज़्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर्क को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न शाह मार्को के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है सुंदर के साथ अपनी मुलाकात के बाद वह एक प्यारा और प्रे पात्र बन जाता है इधर-उधर बहुत सारे सूक्ष्म संकेत हैं जो उसके चरित्र को वास्तविक और आनंददायक बनाने में बहुत मदद करते हैं साह एक क्लास एक्ट हैं और वाइज से व्यवसायिक भूमिका में भी अपना एक गेम टेबल पर लाते हैं चमत्कार के पास इसके बारे में सिनेमाई रूप से कुछ भी काव्यत्मक नहीं है कोई हाई ड्रामा नहीं है आश्चर्यजनक प्रदर्शन नहीं है इसमें मनोरंजन और प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यता इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान और मिला मतौंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने यह लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मथुंडकर और सम्मी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज़ का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया या दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके सगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगो द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही बता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को उसे बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कॉल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कॉल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार्को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंटा के रूप में संदर्भित करता है एक हताश बोली में मार्गो कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्त लगाता है सुंदर को चोरी के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंडा के भाई भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रखता है अभी भी सभी के लिए अदृश्य जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के बोध का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन था मार्को पुलिस को कब्रिस्तान तक ले जाने में कामयाब होता है, जहां कर देता है। कुंता को मार्को की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करने के लिए मजबूर करता है मार्को फिर कुंटा को खाली कब्र में ढकेल देता है और जैसे ही वह उसे एक बड़ी चट्टान से मारने वाला होता है माला उसे पिता कहते हुए रुकने के लिए कहती है और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की करती है। यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश की किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूप में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोनकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरवा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा इस प्यार तेरा शुक्रिया इस से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञ सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ा है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कॉलेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष ग्वारीकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मजेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीज़ें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिससे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए यह देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था खासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के रूम नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आँखा जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वो काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत अन्य चीज़ें थीं जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है यह फिल्म उप शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदरअन सेहरु खान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले कालेज में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमांस रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और में रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन हाथ रहस्य लेकिन इनमें से किसी को भी जरूरत से ज्यादा नहीं किया गया जैसा कि अक्सर नहीं है।, चमत्कार का होता है जादू जैसा जादुई घटनाओं से भरी है शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहां पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भटकते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की ज़रूरत है हार जी बी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हानि रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और सहजता के साथ अन्यथा असंभव आधार को क्रियान्वित करता है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई द हेवन लेकिट का रिमेक थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदर सुंदरअन शाहरुख खान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को अनि नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो बीस साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही गुड़गो द्वारा कुंतानी टीनू आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए वह साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के पास उसके साथ जुड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं को कोकुंटा के नापाक मासूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुषों शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वे जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं वह वा वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज़्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न सिरित दिन शाह मार्गो के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है

प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यता इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा। चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने यह लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसीिरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मथुंडकर और सम्मी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज़ का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया या दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके सगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही पता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार करता ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को उसे बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कॉल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कॉल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार्को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहाँ उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंटा के रूप में संदर्भित करता है एक हताश बोली में मार्को कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्द लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंता के भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रखता है अभी भी सभी के लिए अदृश्य जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन

और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की करती है। यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश की एक किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूम में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोनकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरवा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ यू हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा इस प्यार तेरा शुक्रिया इस से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञ सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ाव है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कालेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गोवारिकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मज़ेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीज़ें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिसे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए यह देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था खासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के रूम नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आंका जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वो काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत अन्य चीज़ें थीं जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है यह फिल्म उप शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदर अन्य सहरु खान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले काले में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमां रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और में रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन हाथ रहस्य लेकिन इनमें से किसी को भी जरूरत से ज्यादा नहीं किया गया जैसा कि अक्सर नहीं है।, चमत्कार का होता है जादू जैसा जादुई घटनाओं से भरी है बेसर शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहां पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भटकते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की जरूरत है हार जी बी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हान रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और सहजता के साथ अन्यथा असंभव आधार को क्रियान्वित करता है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई द हेवन किटकारी में एक थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदरअनी शाहरुख खान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को मार्कोनी नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो बीस साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही गुर्गोद्वारा कुंतानी टीनू आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए वह 20 साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के के पास उसके साथ जुड़ने अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को ठीक करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं काले को कुंटा के नापाक मासूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला निम उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुष शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य्व से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वह जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं वह वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर्क को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न शाह मार्को के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है

प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यतः इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा। चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मतोंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने ये लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मतोडकर और समी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया यह दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके शगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही पता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार करता ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को से बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कौल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कौल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने, ने, ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार्को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार्को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंडा के रूप में सुंदर करता है एक हताश बोली में मार्गो कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्त लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंटा के भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रख है अभी भी सभी के लिए अदृश्य जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन था मार्को पुलिस को कब्रिस्तान तक ले जाने में कामयाब होता है, जहां कर देता है। कुंता को मार्को की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करने के लिए मजबूर करता है मार्को फिर कुंटा को खाली कब्र में ढकेल देता है और जैसे ही वह उसे एक बड़ी चट्टान से मारने वाला होता है माला उसे पिता कहते हुए रुकने के लिए कहती है और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की करती है। यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश एक किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूप में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोनकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरवा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ यू हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा शुक्रिया इस प्यार से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञ सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ाव है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कॉलेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गोवारिकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मज़ेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीजें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिसे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए यह देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था खासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के रूम नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आँखा जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वो काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है यह फिल्म उप शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदरअ सेहरु खान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले कॉलेज में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और छमी रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन हाज रह लेकिन इनमें से किसी को भी जरूरत से ज्यादा नहीं किया गया जैसा कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में होता है कुछ घंटे बिताने का बिल्कुल भी बुरा तरीका नहीं है चमत्कार का अर्थ होता है जादू जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह फिल्म जादुई घटनाओं से भरी है पेशे से शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहाँ पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भटकते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की जरूरत है हार जी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हान रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और सहजता के साथ असंभव आधार को करता है, जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई दा हेवन दिकारी में थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदर अनि शहरुखान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को अन्य नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो बीस साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए बीस साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के पास उसके साथ जोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को ठीक करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं कॉलेज को कुंटा के नापाक मासूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला ने उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुषों शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वे जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं वह वा वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज़्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न शाह मार्को के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है सुंदर के साथ अपनी मुलाकात के बाद वह एक प्यारा और प्रिय पात्र बन जाता है इधर उधर बहुत सारे सूक्ष्म संकेत हैं जो उसके चरित्र को वास्तविक और आनंददायक बनाने में बहुत मदद करते हैं शाह एक क्लास एक्ट हैं और वह इस व्यावसायिक भूमिका में भी अपना एक गेम टेबल पर लाते हैं चमत्कार के पास इसके बारे में सिनेमाई रूप से कुछ भी काव्यात्मक नहीं है कोई हाई ड्रामा नहीं है आस्कर योग्य प्रदर्शन नहीं है इसमें मनोरंजन और प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यता इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान और उर्मिला मतौंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने ये लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मतोडकर और समी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज़ का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया या दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके सगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही पता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को उसे बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कॉल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कॉल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार्को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंटा के रूप में संदर्भित करता है एक हताश बोली में मार्गो कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शब्द लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंटा के भाई भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रख है अभी भी सभी के लिए है। जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के बोध का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन था मार्को पुलिस को कब्रिस्तान तक ले जाने में कामयाब होता है, जहां कर देता है। कुंता को मार्को की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करने के लिए मजबूर करता है मार्को फिर कुंटा को खाली कब्र में ढकेल देता है और जैसे ही वह उसे एक बड़ी चट्टान से मारने वाला होता है माला उसे पिता कहते हुए रुकने के लिए कहती है और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की विनती करती है यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश की किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूम में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोडकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मर्मा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ यू हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा शुक्रिया इस प्यार से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञ सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ा है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कॉलेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गोवारिकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मजेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीजें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिसे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए यह देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था खासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के रूम नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आँखा जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोंडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वो काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत सी चीज़ें थीं जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है यह फिल्म उप शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदर अन्य सहरु खान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले कॉलेज में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और छमी रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन लेकिन इनमें से, किसी को भी से नहीं किया गया। जैसा कि जादू जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह फिल्म जादुई घटनाओं से भरी है पेश शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहाँ पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भटकते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की जरूरत है हॉर जी बी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हान रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और सहजता के साथ अन्यथा असंभव आधार को क्रियान्वित करता है जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई द हेवन किटकारी में एक थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदरअनी शाहरुख खान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को मार्कोनी नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो बीस साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही गुर्गोद्वारा कुंतानी टीनू आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए वह 20 साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के पास उसके साथ जुड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को ठीक करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं कालेज को कुंटा के नापाक मनसूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुष शाहरुख खान और नसीरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य्व से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वह जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं वह वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर्क को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न शाह मार्को के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है सुंदर के साथ अपनी मुलाकात के बाद वह एक प्यारा और प्रिय पात्र बन जाता है इधर उधर बहुत सारे सूक्ष्म संकेत हैं जो उसके चरित्र को वास्तविक और आनंददायक बनाने में बहुत मदद करते हैं शाह एक क्लास एक्ट हैं और वह इस व्यावसायिक भूमिका में भी अपना एक गेम टेबल पर लाते हैं चमत्कार के पास इसके बारे में सिनेमाई रूप से कुछ भी काव्यात्मक नहीं है कोई हाई ड्रामा नहीं है आश्कर योग्य प्रदर्शन नहीं है इसमें मनोरंजन और प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यता इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान और मिला मतौंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं। इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने यह लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मथुंडकर और सम्मी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज़ का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया या दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके सगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही बता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को उसे बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कॉल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कॉल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार्को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंटा के रूप में संदर्भित करता है एक हताश बोली में मार्गो कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्त लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंता के भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रखता है अभी भी सभी के लिए अदृश्य जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के बोध का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन था मार्को पुलिस को कब्रिस्तान तक ले जाने में कामयाब होता है, जहां कर देता है। कुंता को मार्को की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करने के लिए मजबूर करता है मार्को फिर कुंटा को खाली कब्र में ढकेल देता है और जैसे ही वह उसे एक बड़ी चट्टान से मारने वाला होता है माला उसे पिता कहते हुए रुकने के लिए कहती है और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की करती है। यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश की किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूप में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोनकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरवा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा इस प्यार तेरा शुक्रिया इस से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञनिक सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ा है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कॉलेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गोवारकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मजेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीज़ें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिसे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था ख़ासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के में नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आँखा जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वे काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत अन्य चीजें थी जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह फिल्म उप शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदरअन से खान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले काले में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमां रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और में रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन हाथ रहस्य लेकिन इनमें से किसी को भी जरूरत से ज्यादा नहीं किया गया जैसा कि अक्सर नहीं है।, का होता है जादू जैसा जादुई घटनाओं से भरी है बेसर शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहां पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भटकते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की ज़रूरत है हार जी बी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हानि रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और सहजता के साथ असंभव आधार को करता है, जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई दा हेवन लेकिट कार्य में थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदर अनि शहरुख खान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को अन्य नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो बीस साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए वह बीस साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के पास उसके साथ जोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को थे करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं कॉलेज कोकुंटा के नापाक मासूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुषों शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वे जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं वह वा वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज़्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न शाह मार्को के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है

प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यता इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा। चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मतोंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने यह लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसीिरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मतोडकर और सम्मी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज़ का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया या दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके सगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही बता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार करता ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को उसे बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कॉल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कॉल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार्को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहाँ उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंटा के रूप में संदर्भित करता है एक हताश बोली में मार्को कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्त लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंडा के भाई भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रखता है अभी भी सभी के लिए अदृश्य जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के बोध का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन था मार्को पुलिस को कब्रिस्तान तक ले जाने में कामयाब होता है, जहां कर देता है। कुंता को मार्को की हत्या में अपनी भूमिका कबूल करने के लिए मजबूर करता है मार्को फिर कुंटा को खाली कब्र में ढकेल देता है और जैसे ही वह उसे एक बड़ी चट्टान से मारने वाला होता है माला उसे पिता कहते हुए रुकने के लिए कहती है और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की करती है। यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश की किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूप में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोनकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर का ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरना ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ यू हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा शुक्रिया इस प्यार से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञनिक सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ाव है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कालेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गोवारिकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मज़ेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीज़ें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है जिसे उसे एक महान युवा शिक्षक की मदद से पूरा करना होगा यह उसके लिए अपने पिछले पापों से खुद को छुड़ाने का अपनी बिछड़ी हुई बेटी और ससुर के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एकमात्र मौका है कहानी को उपन्यास अवधारणा से नहीं ली गई है लेकिन चमत्कार को ईमानदारी के साथ पेश किया गया है कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि फिल्म में पुराना अनुभव है लेकिन मेरे लिए यह देखना मज़ेदार था कि भारत में नाइन्टीज के दशक की शुरुआत में लोग कैसे कपड़े पहनते थे मुझे ज़्यादातर गाने पसंद आए लेकिन फैशन शो का सीक्वेंस अनायास ही मजाकिया था ख़ासकर बैकअप डांसर ने कैसे परफॉर्म किया और कैसे कपड़े पहने मार्को द घोष्ट के में नसरुद्दीन शाह सा शानदार हैं कौन कहता है कि आदमी कॉमेडी नहीं कर सकता यही सवाल शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर के बारे में भी पूछा जा सकता है इन तीन अभिनेताओं को देखना वाकई बहुत अच्छा था जिनकी हास्य शैली को कम आँखा जाता है एक साथ काम करते और एक साथ काम करते हैं और कुछ इतना मज़ेदार बनाते हैं अच्छे दिल वाले लेकिन भोले भाले स्कूल शिक्षक के रूप में खान शानदार हैं और मार्को की बेटी और सुंदर प्रेमिका के रूप में उर्मिला मतोडकर प्यारी और जिंदा दिल हैं वे काफ़ी प्यारी जोड़ी बनाते हैं और मुझे आश्चर्य है कि इन दो बेहद प्रतिभाशाली अभिनेताओं ने फिर कभी एक साथ काम क्यों नहीं किया सहायक कलाकारों में सम्मी कपूर सबसे अलग हैं चमत्कार में अत्यधिक उन्नत विशेष प्रभाव और शैली नहीं है जो शायद इसे और अधिक सक आकर्षक बना सके लेकिन इसमें मुझे परेशान नहीं किया क्योंकि इस फिल्म का आनंद लेने के लिए बहुत सी चीजें थी जो पर्याप्त थी यह मेरे जैसे गैर हिंदी भाषियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह फिल्म शीर्षक के साथ उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह एक मज़ेदार छोटी फिल्म है इसमें सुंदर निशहरुखान एक ग्रामीण स्कूल शिक्षक है जिसे एक पुराने दोस्त द्वारा उसकी संपत्ति से बरगलाया जाता है जो उसे दुबई में नौकरी देने का वादा करता है जिस मिनट वह दुबई में ट्रेन से उतरता है उसका सारा सामान छीन लिया जाता है और फिर उसके सारे पैसे लूट लिए जाते हैं अपनी नई नौकरी पर पहुंचने के बजाय वह पता है कि उसके दोस्त ने एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि कोई नौकरी नहीं है टूटा हुआ और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए वह उस रात को एक कब्रिस्तान में समाप्त करता है जहां वह अनजाने में मार्को नसरुद्दीन शाह नामक एक हत्यारे अपराधी के भूत को जगाता है जो बीस साल पहले उसे मारने वाले देशद्रोही ठगों को वापस भुगतान करने में उसकी मदद करता है मार्को के भूत द्वारा निर्देशित जिसे सुंदर के अलावा कोई नहीं देख सकता सुंदर को मार्को के ससुर के नेतृत्व वाले कॉलेज में नौकरी मिलती है और मार्को को अपने सभी पुराने स्कोर को व्यवस्थित करने और स्वर्ग जाने का अधिकार अर्जित करने में मदद करता है लेकिन वह सब नहीं है यह एक हिंदी फिल्म है इसमें निश्चित रूप से भरपूर संगीत और रोमांस शामिल है जब सुंदर को मार्को की बेटी से प्यार हो जाता है नसीरुद्दीन शाह और शाहरुख खान किसी भी भाषा में एक साथ अद्भुत हैं और इस फिल्म में कुछ निपटी गाने और नृत्य हैं जिससे सुंदर आदर्श मार्को की मदद से सुंदर लोगों की भीड़ के लिए जादू चाल चल करता है शामिल है गरीब विधवा और उसकी बेटियों के लिए पैसे जुटाने के लिए एक प्यारी कहानी जहाँ तक मैं बता सकता हूँ और छमी रूप से खराब विशेष प्रभाव इसमें थोड़ा थोड़ा सब कुछ है ड्रामा कॉमेडी रोमांस एक्शन लेकिन इनमें से किसी को भी जरूरत से ज्यादा नहीं किया गया जैसा कि अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में होता है कुछ घंटे बिताने का बिल्कुल भी बुरा तरीका नहीं है चमत्कार का अर्थ होता है जादू जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह फिल्म जादुई घटनाओं से भरी है पेशे से शिक्षक सुंदर दुबई में स्थानांतरित होना चाहता था उसने एक दोस्त को पैसे दिए और उससे मदद करने के लिए कहा वह अपना टिकट और पासपोर्ट लेने के लिए मुंबई जाता है वहाँ पहुँच उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दे दिया है जल्दी वह उन सभी भीड़ और शहर के बीच खो गया इधर उधर भटकते हुए वह एक शमशान घाट पर पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात नसीर द्वारा निभाए गए मार्कोस के भूत से होती है मार्कोस कुछ हथियारों को पकड़ने में उसकी मदद करना चाहता है जिन्होंने उसे मार डाला था उसकी मदद से उसे एक कॉलेज में कोच की नौकरी मिल जाती है इस कॉलेज के ट्रस्टी मार्कोस के ससुर हैं ये सभी मार्कोस को उसके हथियारों से बदला लेने में मदद करते हैं और स्वर्ग में ले जाते हैं फिल्म भले ही फ्लॉप रही लेकिन लोगों ने इसे खूब इंजॉय किया इस फिल्म में नसीर और शहरुख की जोड़ी ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी उर्मिला ऐसी थी उसे अपना कौशल दिखाने के लिए एक अच्छे निर्देशक की जरूरत है हार जी की रंगीला देखें कहानी अच्छी है और गाने भी कुल मिलाकर यह एक सुखद फिल्म है चमत्कार फिल्म ऐसे समय में आई थी जब बॉलीवुड ने समय समय पर एक हान रहित मधुर और शराबी मनोरंजक बनाया था जिसे पूरे परिवार द्वारा देखा जा सकता था और विभिन्न स्तरों का इसका आनंद लिया जा सकता था न केवल इसमें एक सरलीकृत लेकिन मनोरंजक कहानी है यह बच्चे की तरह सरलता और के साथ असंभव आधार को करता है, जो इसे इतना आकर्षक बनाता है कि आप खामियों को नोटिस करना भूल जाते हैं चमत्कार अनिवार्य रूप से उन्नीस में रिलीज हुई दा हेवन दिकारी में थी हालांकि इस फिल्म का भारतीयकरण इस हद तक किया गया था कि इसके मूल से जोड़ना लगभग असंभव है सुंदर अनि शहरुखान एक मासूम गांव का साधारण लड़का है जिसे उसके दोस्त ने मुंबई आने का झांसा दिया है एक बार मुंबई में उसका सारा सामान और पैसा लूट लिया जाता है कब्रिस्तान में एक रात बिताने के लिए मजबूर उसका सामना मार्को अन्य नसरुद्दीन शाह नाम के एक भूत से होता है जो बीस साल से अधर में है मार्को एक अपराधी था जिसने प्यार में पड़ने के बाद एक नया पत्ता बदलने की कोशिश की थी उसे धोखा दिया गया और उसके अपने ही आनंद के नेतृत्व में उसकी हत्या कर दी गई सुंदर के माध्यम से उसे मोचन का मौका मिलता है जिसके लिए बीस साल से इंतजार कर रहा है सुंदर के पास उसके साथ जोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है क्योंकि वह अकेला है बिना पैसे के और कर्ज में डूबा हुआ है जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि मार्को के गलत कामों को ठीक करने के लिए कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं कॉलेज को कुंटा के नापाक मासूबों से बचाओ यह फिल्म मार्को की बेटी सुंदर और माला ने उर्मिला मटोनकर के बीच एक प्रेम कहानी भी बनती है जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं मिला यदि यह पर्याप्त नहीं था तो कॉमेडी की एक भारी खुराक भी है जो एक जलवायु क्रिकेट मैच के दौरान चरम पर पहुंच जाती है जिस पर कॉलेज का भविष्य टिका होता है हाल ही में मैंने यूट्यूब पर इस फिल्म को फिर से देखा और महसूस किया कि इतने सालों के बाद भी यह फिल्म बहुत अच्छी तरह से पुरानी हो चुकी है इसका सबसे बड़ा श्रेय दो प्रमुख पुरुषों शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह को जाता है वो एक बेहद भोली केमिस्ट्री साझा करते हैं न केवल उनके पात्रों को विश्वसनीय बनाती है बल्कि वास्तव में अच्छा समय बिताने में भी हमारी मदद करती है हम उनके कृत्य से इतना प्रभावित हैं कि हम बहुत आसानी से उन खराब दृश्य प्रभाव को क्षमा कर देते हैं जो 1990 के दशक के मानकों से भी कम थे वे जिस कॉमेडी को प्रदर्शित करने में सक्षम हैं वह वा वास्तविक और प्रभावित करने वाली है दोनों के बीच की पहली मुलाकात ही फिल्म के बाकी हिस्सों का मोड बना देती है सुंदर किस्मत से नाखुश और डरा हुआ इंसान है जो बात करने से ज़्यादा हक लाता है लेकिन मार्को की कंपनी में उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है चरित्र के आर को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है जब फिल्म के चरमोत्कर्ष में वह मार्को को उन खलनायकों के लिए कुछ करने के लिए कहता है जो उन्हें बंदूक की नोक पर पकड़ते हैं फिल्म में फिल्म के बाकी हिस्सों में मार्को हमेशा अधिक सक्रिय होता है शाहरुख खान अपने सूक्ष्म अभिनय के माध्यम से चरित्र के विभिन्न पहलुओं को खूबसूरती के से सामने लाते हैं न शाह मार्को के रूप में परिपूर्ण हैं मैं उनके अलावा किसी और को मार्को की भूमिका निभाने की कल्पना नहीं कर सकता अपने अच्छे और बुरे पक्षों के बीच अपने कार्य में उनका सही संतुलन था जबकि शुरुआती दृश्यों में आप उसे खलनायक के रूप में लेते हैं जो वह निभा रहा है सुंदर के साथ अपनी मुलाकात के बाद वह एक प्यारा और प्रिय बन बनाने में भी अपना एक गेम टेबल पर लाते हैं चमत्कार के पास इसके बारे में सिनेमाई रूप से कुछ भी काव्यात्मक नहीं है कोई हाई ड्रामा नहीं है आस्कर योग्य प्रदर्शन नहीं है इसमें मनोरंजन और प्यारे पात्रों की एक सुस्त खुराक है जो आपका मनोरंजन करने से कभी नहीं चुकती चमत्कार नब्बे के दशक की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है मुख्यता इसकी पुनः देखने योग्य और सरलता के कारण मैं इसे सौ बार देख सकता हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इससे बोर नहीं होऊंगा। चमत्कार राजीव मेहरा द्वारा निर्देशित उन्नीस की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है फिल्म में नचरुद्दीन शाह शाहरुख खान और उर्मिला मतोंडकर मुख्य भूमिकाओं में हैं 2016 तक इस फिल्म के अधिकार शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास हैं इस फिल्म को निर्देशित किया था राजू मेहरा ने ये लिखी गई थी शौकत बेग लिलपुट और राजू मेहरा के द्वारा इसको उत्पादित किया था परवेश सिंह मेहरा इसमें मुख्य अभिनेता है नसरुद्दीन शाह शाहरुख खान उर्मिला मतोडकर और समी कपूर इसमें म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने इस फिल्म में सुंदर श्रीवास्तव एक युवा स्नातक है जीवन में उसकी मुख्य महत्वाकांक्षा अपने गांव में अपनी आधा एकड़ संपत्ति पर एक स्कूल शुरू करने के अपने पिता के सपने को पूरा करना है हालांकि उसके पास अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कोई धन नहीं है सुंदर का बचपन का दोस्त प्रेम जो कि मुंबई में एक अनुभवी ठग है भोले सुंदर सुंदर को गिरवी रखने के लिए मना लेता है जब सुंदर मुंबई आता है तो उसे पहले बरगलाया जाता है और उसका सामान खो दिया जाता है फिर जेब काट जाती है और उसके पैसे खो जाते हैं फिर उसे पता चलता है कि प्रेम ने उसे बरगलाया और उसके पैसे लेकर दुबई भाग गया है सुंदर को एक कब्रिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है सुंदर अपने सितारों को कोसने लगता है और अपना गुस्सा निकालने लगता है एक आवाज़ उसका जवाब देती है और हैरान सुंदर उस व्यक्ति से अपनी पहचान बताने के लिए कहता है आवाज का स्रोत जिसे देखा नहीं जा सकता आश्चर्यचकित हो जाता है और सुंदर से पूछता है कि क्या वह वास्तव में उसे सुन सकता है सुंदर को पता चलता है कि वह भूत से बात कर रहा है और घबरा जाता है भूत अचानक सुंदर को दिखाई देता है और अपना परिचय अमर कुमार उर्फ मार्को के रूप में देता है मार्को सुंदर से कहता है कि केवल वह सुंदर की मदद कर सकता है और इसके विपरीत मार्को अपनी कहानी बताता है मार्को एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर था जिसे मिस्टर कॉल की बेटी सावित्री कॉल से प्यार हो गया अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो सावित्री ने उससे शादी करने से मना कर दिया यह दिखाने के लिए वह गंभीर था मार्को ने अपराध छोड़ने का संकल्प लिया यह उनके शगिर्द कुंटा के लिए अच्छा नहीं था जो खुद मार्को जितना बड़ा बनना चाहते थे मार्को की शादी की रात कुंटा ने उसका अपहरण कर लिया और उसकी हत्या कर दी थी जिसके बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया मार्को सुंदर को बताता है कि उसके नाम पर शहर में होने वाले कई अपराध वास्तव में कुंता और उसके गुरुगुर द्वारा किए जाते हैं मार्को सुंदर से कहता है कि उसके पापों का कारण वह मोचन प्राप्त नहीं कर सकता मार्को को पहले ही पता दिया गया था कि केवल उसका उद्धार करता ही उसे देखने और सुनने में सक्षम होगा इसलिए सुंदर को उसकी मदद करनी होगी सुंदर ने मना कर दिया लेकिन मार्को ने उसे अपने सपने की याद दिलाकर चौंका दिया जिसके बारे में सुंदर ने मार्को को कुछ नहीं बताया था मार्को से बताता है कि वह सावित्री और मिस्टर कौल को देखना चाहता है वह यह भी बताता है कि जब तक समय नहीं आता तब तक वह किसी को नहीं छू सकता या नुकसान नहीं पहुंचा सकता मार्को सुंदर को श्री कौल द्वारा चलाए जा रहे एक स्कूल में क्रिकेट कोच के रूम में स्थान दिलाने का प्रबंध करता है मार्को को गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि उसकी हत्या के बाद कुंटा और उसके गुंडे कॉल को घर ले गए और सावित्री को बताया कि मार्को जीवित था और भारत में कभी वापस नहीं आया यह सुझाव देते हुए कि मार्को ने केवल उसके साथ सोने के लिए उससे शादी की कुंटा ने उन्हें बताया था कि मार्को चाहता था कि सावित्री और उसके पिता अपने होटल के स्वामित्व के दस्तावेज कुंटा को सौंप दे लेकिन सावित्री ने उन्हें सौंपने से इनकार कर दिया जब तक कि मार्को खुद उनके लिए पूछने नहीं आया कुंटा ने तब सावित्री के साथ बलात्कार करने की कोशिश की लेकिन उसके रोक दिया गया जब उसके पिता ने उन्हें दस्तावेज देने का वादा किया यह सुनकर मार्को आग बबूला हो गया और बदला लेने की कसम खाता है उसे यह जानकर दुख हुआ कि उसके तुरंत बाद सावित्री की मृत्यु हो गई लेकिन जब उसे पता चला कि सावित्री के साथ उसकी बेटी है जिसे माला कहा जाता है तो उसे बहुत खुशी हुई सुंदर और मार्को को यह भी पता चलता है कि स्कूल में धन की कमी और कुंटा उसकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है माला और सुंदर को प्यार होने लगता है मार्को कुंटा के गुंडों को दूर रखने में मदद करता है बाद में मार्को सुंदर को एक गुप्त कमरा दिखाता है जहां उसने अपनी सारी लूट रखी थी कमरा कुंटा या किसी और को नहीं पता था इसलिए मार्को ने प्रस्ताव दिया कि एक गुमनाम दान किया जाए जो स्कूल को बचाने और सुंदर की मदद करने के लिए पर्याप्त होगा हालांकि उसके निरीक्षण के कारण कुंटा को कमरे के स्थान का पता चल जाता है और मार्को अपना सारा पैसा खो देता है मार्को कुंटा को कुंटा साला उस दुष्ट कुंडा के रूप में संदर्भित करता है एक हताश बोली में मार्गो कुछ पैसे चुराता है और पैसों को दोगुना करने के लिए शर्त लगाता है सुंदर को चोरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है हालांकि कोई सबूत मौजूद नहीं है मार्को सुंदर को सच बताता है और उसका झगड़ा हो जाता है सुंदर अपनी टीम और कुंटा के भाई, भतीजे के नेतृत्व वाली टीम के बीच एक क्रिकेट मैच के लिए सहमत है यदि वे खेल जीतते हैं तो वे स्कूल को बनाए रखने के लिए धन जीतेंगे प्रारंभ में सुंदर की टीम हार जाती है लेकिन फिर मार्को खेल में कदम रख है अभी भी सभी के लिए है। जो कि अभी भी सभी के लिए अदृश्य है विरोधी टीम को तोड़फोड़ करता है और सुंदर की टीम मदद करता है जिससे सुंदर की टीम बड़े पैमाने पर सफल होती है मैच की शुरुआत से पहले सुंदर और कुंता के बीच एक संक्षिप्त मुलाकात के बाद जहां सुंदर ने मार्को के का उल्लेख किया कुंता को संदेह हुआ खासकर जब सुंदर ने आई त्रिपाठी मार्को के युग में जो कि पूर्व इंस्पेक्टर था को सच्चाई का खुलासा किया मैच के दौरान वह सुंदर को माला के साथ अगवा कर लेता है और उन्हें वही जिंदा गाड़ देता है जहां उसने मार्को को दफन

और कुंता के कारण अपने हाथों को खून से न मारने की करती है। यह सुनकर मार्को तुरंत मान जाता है और कुंता को जीवित रहने देता है अंत में सुंदर अपने मिशन में सफल होता है सुंदर और माला शादी करते हैं जिससे मार्को शादी में शामिल होता है शादी में प्रकाश एक किरण मार्को पर पड़ती है तो वह स्वर्ग में चढ़ जाता है हालांकि एक मिनट मांगने से पहले दर्शकों को जीवित रहने के दौरान सभी काम करने के लिए विनती करने के लिए नहीं क्योंकि उसके पास चीज़ों को सेट करने का मौका नहीं हो सकता इसमें अमर मार्को के रूम में नसरुद्दीन शाह ने काम किया है सुंदर श्रीवास्तव के रूम में शाहरुख खान ने काम किया है और माला के रूम में उर्मिला मतोनकर ने काम किया है श्री कौल के रूम में सम्मी कपूर ने काम किया है और इंस्पेक्टर पी के संत के रूम में देवन मरवा ने काम किया है और भी इसमें किरदार थे इस फिल्म में संगीत अनु मलिक द्वारा रचित था और गीत आनंद बख्शी के द्वारा रचे गए थे इस फिल्म के गाने कुछ यू हैं बिच्छू बिच्छू ये है प्यार प्यार तेरा इस प्यार तेरा शुक्रिया इस से मेरी तरफ जवानी दीवानी और देखो देखो चमत्कार जिसे गाया था आशा भोसले कुमार सानू अलका यज्ञ सुखविंदर सिंह नंदू भोंडे उदय नारायण और पूर्णिमा ने एक साधारण ग्रामीण स्कूल शिक्षक सुंदर यानी शहरुख खान के बारे में एक प्यारी फिल्म जिसे उनके दोस्त ने धोखा दिया और मुंबई में उसका सारा सामान लौट लिया वह एक कब्रिस्तान में समाप्त होता है और एक भूत मार्को नसीरुद्दीन शाह के पुनरुत्थान का कारण बनता है मार्को एक कट्टर अपराधी को उसके गुर्गे कुंटा यानी टीनू आनंद ने उसकी शादी के अगले दिन मार डाला क्योंकि वह अपने बुरे तरीकों को त्यागना चाहता था और अपने अपराधों की लूट को वापस करना चाहता था अब सुंदर मार्को का वास्तविक दुनिया से जुड़ाव है और उसके छुटकारे और अंतता रिहाई का एकमात्र तरीका है रास्ते में सुंदर को मालानी उर्मिला मतौंडकर से प्यार हो जाता है और वह उसकी और उसके दादा यानी सम्मी कपूर की कॉलेज को कुंता के लालच में बचाने में मदद करती है माला कौन है क्या मार्को अपना बदला लेगा इस फिल्म में दिखाया गया है कहानी सरल है और इसमें जोड़े गए कुछ नए ट्विस्ट से परिचित हैं युवा जोड़े सुपर क्यूट हैं शाहरुख खान सरल अच्छी आत्मा सुंदर दिखते हैं और जीते हैं नसीर हमेशा की तरह अद्भुत हैं और मिला जीवंत हैं आशुतोष गवारीकर की बुरे लोगों में से एक के रूप में भावपूर्ण भूमिका है शम्मी कपूर अपार हैं लेकिन फिर भी मनोरंजक हैं फिल्म में कुछ अच्छे गाने हैं मेरा पसंदीदा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो प्यार हो जाएगा मजेदार और माथुर है मधुर है केवल एक चीज जो मुझे इस फिल्म को बेहतर रेटिंग देने से रोकती है वह है क्रूर फैशन सोगीत और नृत्य तमाशा इसके अलावा यह एक सीख के साथ एक प्यारी सरल मनोरंजक फिल्म है खुद को छुड़ाना संभव है और साधारण अच्छाई से अच्छी चीज़ें घटित होती हैं चमत्कार एक आकर्षण और आनंदमयी फंतासी कॉमेडी है यह एक भूत की कहानी बताता है जिसका कुछ अधूरा काम है